हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आईएफएस और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर करने वाली हूँ विच इज हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन द लीस्ट टाइम सो आई वेरी uh, श्योर sure कि आप सब लोगों को ये डाउट होगा कि मैम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो कितना लेंदी होता है अब इसको हम सबसे मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अगर आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए तो आपके बाकी के क्वेश्चंस फिर रह जाएंगे एंड दैट वी डोंट वांट टू हैपन राइट सो इसीलिए नाउ इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू टिप्स एंड ट्रिक्स सम डूज एंड डोंट्स की जो आपको फॉलो करने हैं, वेन यू आर सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ओके सो कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं बताऊंगी कि जो अगर आप फॉलो करते हो ऐट द टाइम ऑफ योर एग्जाम तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो भी पैसेज होगा एंड उसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं जाएंगे सो लेट गेट स्टार्टेड देखो अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो टॉपिक uh, होता है ना सो so, uh, अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारे पेपर के स्टार्टिंग में सॉल्व करना चाहिए या हमारे एग्जाम uh, के एंड में सॉल्व करना चाहिए तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता यू कैन सॉल्व इट वेन एवर यू वॉन्ट जैसे जब वो क्वेश्चन दिया गया है आप तभी सॉल्व कीजिए देखो जैसे द सिंपल स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलो इज सबसे पहले तो थियोरियॉटिकल वाले सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो जिसके आंसर आपको ऑलरेडी पता है ओके okay? तो जब आप वो सॉल्व कर लेते हो सो नाउ यू नो कि इस ये तो मेरे मार्क्स ऑलरेडी आने ही वाले हैं उसके बाद सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए टाइम भी लगता है लेकिन वो बहुत इजी होते हैं सो इट इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ ऑल योर अदर टॉपिक्स ठीक है so So, कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्किप मत कीजिए हमेशा उसे सॉल्व ही कीजिए एंड कब सॉल्व करना है तो वो आपको जब भी थियोरटिकल के बाद सॉल्व करना है उसके बाद फिर आप बाकी के जो डी के क्वेश्चन आते हैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर मैथमेटिकल के जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप उसके बाद कर सकते हो ओके सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू फॉलो वेन एवर यू आर सॉल्विंग द पेपर कि सबसे पहले थियोराटिकल पे जाओ उसके बाद फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आओ अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना होता है यू हैव टू रीड द पैसेज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन देर टू गेट योर करेक्ट आंसर है ना सो देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज कंसिस्ट ऑफ मेक इंफरेंसेस सेल्फ मॉनिटर विजुअलाइजेशन एंड ड्रॉ कंक्लूज एंड मेक कनेक्शंस इन सारी चीज़ों से हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बना होता है सो so ये सारी की सारी चीज़ें आपको लीस्ट टाइम में करनी है कैसे लेट्स सो द स्ट्रैटेजी दैट यू कैन अप्लाई यर इज सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा क्विक रीडिंग करनी पड़ेगी जो भी पैसेज आप रीड कर रहे हो यू हैव टू रीड दैट पैसेज क्विकली फास्ट रीड करना पड़ेगा You have to read it fast. Second, जो चीज़ आपको करनी है बिल्ड योर वोकैबलरी जितनी ज्यादा वोकैबलरी आप बिल्ड कर सकते हो उतने ही कम टाइम में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर सकते हो नाउ द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग इट टू यूर राइट नाउ आर दिंग्स जो आपको एग्जाम से पहले करना है मतलब जो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की या प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तब आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है नॉट एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम तो ये चीजें आपको कब करनी है वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड योर वो कैबलरी जितनी ज्यादा वो कैबलरी होगी उतना कम टाइम लगेगा आपको उस पैसेज को एनालाइज करने के लिए नेक्स्ट आता है फोकस आपको फोकस आपके की uh, वर्ड्स पे रखना है फोकस शुड बी ऑन द कीवर्ड्स वर्ड्स आपके क्वेश्चन ऑप्शन पे बेस्ड होंगे नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट जब आप ये सारी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस को तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मैनेज योर टाइम कि मुझे 10 मिनट में ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है या मुझे 20 मिनट्स में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ओन टाइम अब ऐसा नहीं है कि दस मिनट लो या बीस मिनट लो यू कैन बी फ्लेक्सिबल लेकिन जो टाइम आप खुद के लिए चूज कर रहे हो स्टिक टू दैट टाइम क्लियर तो दिस वॉज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट उसके बाद जो आपको करना है दैट इज डेवलप अ मैथड एक मेथड डेवलप कीजिए कि जिसके थ्रू आप ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन uh, के जो भी um, पैसेजेस होते हैं उन्हें आप सॉल्व कर पाओ ओके द मेथड कैन बी सब्जेक्टिव इट यू कैन चूज़ योर ओन मेथड ऐसा कोई नहीं किसी किसी को याद करके समझ आती है चीज़ें किसी किसी को बार बार पढ़ के समझ आती है प्रैक्टिस करके किसी को एक ही बार में समझ आती है तो वो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सी मेथड वर्क करती है एंड डेवलप दैट मेथड स्लोली and last is practice so may hamesha kahungi this is not limited to reading comprehension it is uh, for each and every topic that you are uh, trying to solve the practice makes man perfect ये हमेशा याद रखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने फास्ट आप ये पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व कर पाओगे सो दीज वर द स्ट्रेटजीज दैट यू यू नीड टू फॉलो व्हेन आर फॉर रीडिंग दीज्रेटीशन ना दीज आर द टिप्स व्हेन यू आर सॉल्विंग द रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है लुक एट योर सबसे पहले डू नॉट यूज योर प्रीवियस नो हाउ वि फिक्सिंग स्टडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या है कि जो भी आपका प्रायर नॉलेज है रीडिंग कॉम्प्रीहें मतलब उस पैसेज को लेके वो यहां पे यूज मत कीजिए ठीक है तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो कि अगर पॉल्यूशन पे आपको पैसेज दिया है अब पोल्यूशन कौन कौन सी चीजों से होता है ये यू ऑलरेडी नो अबाउट इट यू हैव द प्रायर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग लेकिन अब गाड़ी से होता है साउंड से होता है फिर और बहुत कुछ चीजों से होता है पॉल्यूशन। तो अब इसमें से ये पॉइंट्स दिए ही नहीं है आपके पैसेज में पॉइंट्स कुछ और दिए हैं आपके पैसेज में तो यू हैव टू रीड द पैसेज एंड उसमें से ही आपको आंसर चूज करना है क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में वो पॉइंट्स होंगे जो आपको पता है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो पैसेज में नहीं होंगे सो इसीलिए प्रायर नॉलेज आपका यहाँ पे बिल्कुल भी यूज मत कीजिए स्टिक टू व्हाट इज देर इन द पैसेज के बेस पे ही आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं नेक्स्ट है अवॉइड रिग्रेसिव स्टडिंग या रिग्रेसिव रीडिंग रिग्रेसिव रीडिंग के मतलब क्या होता है कि बार 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 वही चीज पढ़ना जब आप बार बार वही चीज पढ़ोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे सो अवॉइड रिग्रेसिव रीडिंग देन डू नॉट रीड रीड द द पैसेज पैसेज फर्स्ट सो दिस दिस इज वेरी यू कैन स्टार पॉइंट कि कभी भी रीड मत कीजिए क्यों नहीं रीड करना है पहले क्योंकि क्या होगा आप पैसेज रीड करोगे फिर आप क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो so, जब तक आप क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हो तब तक आप आपने जो भी पैसेज पढ़ा हुआ है वो भूल जाओगे सो so, उसका कुछ यूज नहीं होगा इसीलिए वॉट यू नीड टू डू कभी पहले रीड मत कीजिए हमेशा questions रीड करने के बाद ही कीजिए फिर जाके आपको focus कौन से words पे करना है वो भी पता चल जाएगा यस सो डू नॉट रीड द पैसेज फर्स्ट उसके बाद पे अटेंशन टू द थीम ऑफ द पैसेज थीम क्या है पैसेज की उस पर ध्यान दीजिए सेंट्रल कॉन्सेप्ट, जो थीम सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑथर्स प्रोफेशन ये जो चीजें हैं ना इस क्वेश्चन पूछा जाता ही है ओके तो इसीलिए ये टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस रखिए कि जब भी आप सॉल्व करें तो थीम क्या है पूरे सेंट्रल आइडिया क्या है हमारे पूरे पैसेज का वो जानने की कोशिश कीजिए और ये भी आ सकता है क्वेश्चन दिस इज नॉट बीइंग आस्ड एवरी ईयर कभी कभी पूछ सकते कि ऑथर का प्रोफेशन क्या है अब जब आपको पैसेज दिया जाता है उसमें आपको ऑथर का प्रोफेशन मेंशन नहीं होता या ऑथर का नाम भी कभी कभी मेंशन नहीं होता फिर कैसे पहचानना है कि ऑथर का प्रोफेशन क्या है हेल्प ऑफ द पैसेज अब अगर पैसेज अकेडमिक्स रिलेटेड है तो आपका जो आपके जो आ, 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 प्रोफेशन होगा ऑथर का वो क्या होगा विल बी द टीचर और ही विल बी प्रोफेसर ही विल बी द लेक्चरर है ना हमारे ऑथर का प्रोफेशन क्या हो सकता है ही विल बी द डॉक्टर है ना जनरल कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सो इट कुड बी द जर्नलिस्ट सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ऑथर्स प्रोफेशन क्लियर तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है वेन एवर यू आर सॉल्विंग द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्लियर सो so, जब आप ये चीजें फॉलो करते हैं आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर आपको ये बिल्कुल भी पैसेज डिफिकल्ट नहीं जाएगा सो दीज द फ्यू ट्रिक्स दैट यू रीड टू रिमेंबर अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को डीप में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं सो so, कोर्स की मिनिमम प्राइस है आप थ्री थाउजेंड रुपीज़ आपको थ्री थाउजेंड में सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं हर कोर्स का हर टॉपिक के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी बहुत आपका स्टडी बेटर हो जाएगा ठीक है सो दीज आर द फ्यू थिंग्स एंड अगर आप रिविजन करना चाहते हैं वट एवर यू हैव स्टडीड तो आप हमारी बुक भी परचेस कर सकते हैं उसका सेकेंड एडिशन भी अब अवेलेबल हो गया है सो यू कैन परचेज इट फ्रॉम एमेजॉन फ्लिपकार्ट या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे से क्लियर सो दैट वॉज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन योर एग्जाम All the best for your exam and happy learning!